दोस्तों, क्या हाल चाल, जय हिंद आप सभी लोगों का। आज आया हूँ मैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद, क्योंकि हमारा मूवी रिलीज हुआ था कुछ दिन पहले, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था कि साउंड क्वालिटी का, मूवी को छोड़ के अभी टेक्निक्स के भी जो मैं इन्फॉर्मेशन सभी जो कुछ मैं देता हूँ उन सभी में साउंड क्वालिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, पर उसका भी सलूशन आ चुका है। फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर कर दिया है, तो सब कुछ डिटेल्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, जाके आप चेकअप कर सकते हैं। पर उससे पहले सब कुछ चीज़ मैं बताऊँगा आप सभी लोगों को। तो चलिए गाइस, इसका अनबॉक्सिंग हम शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, इसका अनबॉक्सिंग होगा। और अंदर कुछ है क्या? नहीं, अंदर कुछ नहीं है गाइस, खाली है एकदम। तो इसे टाइट करिए, वो एक कूपन क्यूआर कोड का, तो साइड में करके अब आते हैं स्पीकर। देखा गाइस, चाइना का प्रोडक्ट, शी जिनपिंग का प्रोडक्ट है, चाइना का। चाइनीज माल ज़्यादा टिकता नहीं गाइस। क्या बताओ गाइस, सब कुछ चाइना का ही है। चलिए गाइस, इसका देखते हैं। और एक बात गाइस, ये जो प्रोडक्ट आता है एक आईफोन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और जिसके पास एंड्रॉयड है वो भी यूज़ कर सकते हैं। टाइप सी और लाइटनिंग केबल दोनों के साथ कनेक्ट होता है। चलिए गाइस, रैपर उतार के देखते हैं हम गाइस, देखते हैं प्रोडक्ट क्या कुछ निकल के आता है प्रोडक्ट के अंदर। यह कनेक्टर जो टाइप सी पोर्ट के साथ आता है, दूसरा है टाइप सी कनेक्टर प्लस लाइटनिंग केबल, एक साथ कनेक्टेड होता है जो एंड्रॉयड यूजर नहीं है, जो आईफोन बेसिकली उसके लिए। और ये आता है हमारा माइक, जिसके वैसे अब हमारा मूवी और टेक न्यूज सब कुछ शूट होगा। दो आता है एक कनेक्टर, और उसके साथ दो जो चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट, और ये है इसके साथ स्विच, नॉइस कैंसिलेशन का जो रबर होता है सब कुछ। और अंदर और कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट वगैरह टूल किट। अगर आप परचेस करते हैं, अगर आप नहीं जानते तो ज़रूर से ज़रूर देखिए इसके अंदर क्या कुछ है। और नीचे का जो पोर्ट है, इसके अंदर केबल ही होगा, यूएसबी ए प्लस टाइप सी पोर्ट। तो चलिए गाइस, अब सब कुछ एक बार हम टेस्ट करके देख लेते हैं क्या कुछ है। तो दोस्तों, अभी कनेक्टेड हमने कर दिया है पोर्ट के साथ, टाइप सी पोर्ट के साथ, और मैंने लगवा लिया है अब मैं। तो और हमारे साथ है लाइटनिंग केबल जो आईफोन के साथ आता है, और टाइप सी गोल के साथ, और नॉइस कैंसिलेशन एक क्लिप, और इसके साथ यहाँ पे स्विच होता है, और टाइप सी पोर्ट सब कुछ, और इसके साउंड। और मैं सब जो मैंने खरीदा है अभी, इसको हटा के तो फोन के जो साउंड और इसके साउंड में दोनों को कंपेयर करके देखूंगा कि किसका साउंड सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। तो चलिए गाइस, एक बार सुन लेते हैं इसका वॉइस। अभी जो मैं बोल रहा हूँ, ये कोई माइक्रोफोन के साथ नहीं है, जस्ट मेरा जो Realme G2 फोन है उस फोन से जो वॉइस है, अब क्लियरली सुन के बताना कि माइक्रोफोन का वॉइस कितना ज्यादा अच्छा था, कितना ज्यादा मेगाहर्ट्ज पे था। और अभी जो फोन के साथ मैंने जो वॉइस बता रहा हूँ, तो इसका जो हर्ट्ज है, इसका जो स्पीड है, क्या कुछ है, डिटेल्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि शाम को आपको तो जरूर से जरूर मिलना ही चाहिए कि एक माइक्रोफोन के साथ और एक फोन के साथ दोनों का डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आया हूँ मैं आज। और अभी हर हफ्ते एक न्यूज आएगा। और एक बात, जो मैंने रियलमी G2 को मैंने 2 महीने इस्तेमाल किया है, इसका भी एक बहुत बढ़िया रिव्यू लेके आऊँगा। बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि रियलमी G2 का एक कंपेरिजन वीडियो लेके आओ, जो हमें खरीदना चाहिए खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी Realme G2 का प्राइस 35,000 हो चुका है, पहले मैंने 25,000 में खरीदा था। तो अभी इसीलिए मैं 2 महीने के बाद ये जो रिव्यू लेके आऊँगा Realme G2 का। और अभी वो साइड में करते हैं, अभी जो मैंने माइक्रोफोन के बारे में बताया था, तो माइक्रोफोन का क्या कुछ लगा सब कुछ मैं डिटेल्स में लिंक दे दूंगा, आप चाहे परचेज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से, और सब कुछ वीडियो में डिस्क्रिप्शन में और लिंक है। और एक बात गाइस, जो नॉइस कैसा था माइक्रोफोन और एक फोन में। तो गाइस, ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल में बने रहना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करते जाना। सबसे पहले बाय गाइस, थैंक यू।